ट्राई करते हैं कि हमारे हाथ की बनी हुई पतंग उड़ पाती है या फिर नहीं। फाइनली पूरा मतलब धागा। तो फैमिली अभी आप लोग देखिए इधर सृष्टि ना अभी बारिश पड़ने के बाद नीचे देख रही है गार्डन में। नाउ वी आर गोइंग टू पतंग उड़ान। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। रियली आज का ब्लॉग पता है क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने बनाई थी खुद से एक पतंग, तो उसको आज हम बनाने का ट्राई करने वाले हैं। क्योंकि पिछले लास्ट लगभग 3 दिनों से बारिश पड़ रही है रेगुलर और हम उसे उड़ा नहीं पा रहे हैं। तो अभी बारिश नहीं है, वैसे बादल हो रखे हैं, कभी भी बारिश आ सकती है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी, रियली पतंग उड़ाने के लायक। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे हाथ की बनी हुई पतंग उड़ पाती है या फिर नहीं। आप ऊपर से उड़ाएंगे पतंग ऊपर वाली छत से। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पतंग को उड़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये उड़ पाती है या फिर नहीं। तो पहले मैं इसको पैक करता हूँ। काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जितना मुझे उम्मीद नहीं थी। टूट गई, फाइनली पूरा मतलब धागा, ये पूरा ये रोल है वो खत्म हो चुका था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया तो पतंग मेरे हाथ से छूट चुकी है और वो भाग के गई इधर, पता नहीं कहाँ। खत्म होने के कारण पतंग मेरे हाथ से छूट चुकी थी। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों लोग पतंग को लेने गए, खेत में जाके गिर गई है। तो विशाल और वो दोनों पतंग को लेने गए, शायद इन्हें मिल जाए, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ ऊपर था, पतंग जहाँ उड़ रही थी ना मिली हैगी। तो फैमिली फाइनली हमारी मेहनत कामयाब हुई, क्योंकि मैंने जो पतंग बनाई थी खुद से वो पतंग काफ़ी ऊंचाई तक उड़ चुकी थी, क्योंकि हवा काफ़ी ठीक ठाक चल रही थी। बट ये हमारी मिस्टेक रही कि धागा मेरे हाथ से छूट गया, और वो छूट इसलिए गया क्योंकि वो रोल खत्म हो गया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान था सिर्फ ऊँचाइयों पर, क्योंकि पतंग हमारी ऊंचाइयों को छू रही थी। अभी दो लोग ढूंढने गए हैं उसके लिए, अगर मिल जाती है तो धागा तो हम और भी लगा लेंगे, दूसरा रोल लगा के देखो उड़ाने का ट्राई करते हैं। ये सुहाना मौसम, डेली मौसम सुहाना रखा है पतंग उड़ाने के लायक, तो हम अभी पतंग उड़ाएंगे आने के बाद। फैमिली अभी आप लोग देखिए इधर सृष्टि ना अभी बारिश पड़ने के बाद नीचे देख रही है गार्डन में, व्यू एंजॉय कर रही है दीवार से खड़ी होके। क्या देख रही है, क्या भी उन लोगों को पतंग मिल चुकी है और वो लोग आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं उधर पेड़ों से होकर दिखा रहा है पतंग वहां से कि पतंग मिल चुकी है। रियली दोस्तों 3 दिन से बारिश हुई है ना लगातार, और कल रात तो काफ़ी सारी बारिश हुई थी, तो पूरा पानी भर गया खेतों में। आप लोग देख सकते हैं कैसे हरे भरे खेत दिख रहे हैं। वो आ चुका है विशाल नीली शर्ट में। विवेक पतंग कितनी ऊँची उड़ी? तुमची कैसे पहुंच गई? तू छोला। फैमिली में पहुंच चुका हूं इन लोगों के पास, अभी इन लोगों को पतंग तो मिल चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग विशाल के हाथ में पतंग, और इधर मुकेश कर रहा है धागा इकट्ठा उधर पीपल के पीछे, क्योंकि जो धागा है वो इनके हाथ लग गया है तो उसे इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा हो जाएगा ये तो इस समय में पतंग को पकड़ना और भी कठिन है, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है, तुम आप लोग देख सकते हैं। अब की बार जो गई तो लंबा हाथ आएगी। फैमिली हम लोग फिर से रेडी हैं सेकंड टाइम अपनी पतंग को उड़ाने के लिए, क्योंकि पतंग फाइनली आ चुकी है और ये दो और धागा रोल हमने मंगा लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी माजा होता है बड़ा वाला, वो मिल नहीं पाता दुकान में लोकल में, यहाँ पर बस इनसे गुजारा करना पड़ता है। तो अभी एक तो पूरा भाग गई थी उसका ध्यान नहीं दिया, और अभी दो और मंगा लिए, तो अब की बार उड़ाते हैं देखते हैं कितनी ऊपर जाती है,
और मुझे लगता है कि अब की बार जो छुट्टी तो हाथ तो आने वाली है नहीं, अब की बार तो जानी है। Now let's start flying this kite. छोड़ दो, नहीं उड़ रही, नहीं उड़ रही, मतलब पतंग उड़ाना इस बार फेल रहा है क्योंकि हवा अभी कम हो गई है तो ये उड़ नहीं पा रही है। अभी देखते हैं क्या कहती है, कहाँ मतलब बेहतर लगता तो है ये क्या ही बोले दोस्तों। अभी हवा तो बहुत धीमा चल रही है, अब पतंग उड़ नहीं पा रही है, क्या करें। जब उड़ी थी तो छूट कर भाग गई, अभी हवा भी कम हो गई, कहाँ से पकड़ के लाऊं उसे, कहीं तो हवा भी नहीं दिख रही मुझे। ये जो पतंगे काफ़ी भारी है क्योंकि हमने इसमें बांस वगैरह लगा दिया, पिन्नी भी काफ़ी बड़ी है तो ये काफ़ी तेज हवा में उड़ेगी। और हमारे द्वारा बनाई गई है तो ये टेपिंग भी उसकी रुक नहीं रही है क्योंकि ये लाइट की टेपिंग है, टेम्परेरी है, देखते हैं कहाँ तक चलती है, फिर कर देंगे इसे विदा। ऐसा हमें स्टार्ट हो गई और हल्का हल्का बूंदे आ भी गई हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि अभी तो हम पतंग उड़ा नहीं पाएंगे। देखते हैं यदि हवा हमें टाइम देती है तो फिर से आएंगे, जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अभी पतंग थोड़ा सा उड़ी थी और फिर से गिर गई। अभी रियल में प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ रही है, तो पतंग थोड़ा उड़ी थी, अब की बार थोड़ा ऊपर तक पहुंच गई थी जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, बट वो नीचे आ गई एकदम से क्योंकि हवा का डायरेक्शन ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे करके और नीचे आ जा रही है पतंग। अभी पतंग एक बार इस ढेंचे में फंस चुकी थी, हमने ऐसे उसे निकाला है, बट पहुँच तो गई है ऊपर, अब देखते हैं कि वो रुक पाती है और ऊपर जाती है या फिर गिर जाएगी। अभी क्या है कि हम इसको विदा करने की सोच रहे हैं कि अब की बार चली जाए तो उसे भेजने मत, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या ले रहा है ये, देखो अभी डाउन आई, इसी तरीके से गिर रही है तब जब। एक्चुअली है ये भी कि हम एक्सपर्ट भी नहीं है पतंग उड़ाने में। ये लो जी। अभी पतंग इस पेड़ के पली तरफ जाके गिर चुकी है और इस पर फंस गई, अब की बार मुझे लगता है मिलना वाड़ी पर जाएगी, पेड़ पर टंगी होगी। अभी दोस्तों पतंग हमें देख चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी जूम किया हुआ है, ये पीली पीली टाइप की पतंग दिखाई दे रही है यहाँ बीच में, वही है पतंग, अभी ऊपर आ रही है खींचने पर वो। अभी जो हमारी पतंग है आप लोग देख सकते हैं, धागा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो ये यहाँ तक आ चुकी है इस पिलखुन की चोटी पर, बट यहाँ से निकलना शायद ही मुश्किल है, यहाँ तक तो आ चुकी है, अभी फंस चुकी है और वो भी बिल्कुल ऊपर जाके पेड़ की चोटी पे, तो अब उसके निकालना ही मुश्किल होगा, शायद गई भैंस पानी में लगता है, अंतिम दर्शन कर लो आप इसके, शायद से मुझे लग रहा है। वैसे यदि मैं तेज़ी से खींचता हूँ तो मुझे लगता है धागा टूट जाएगा, बट वो नहीं आ पाई तो इससे हाथ धोना ही पड़ेगा। गाइस फाइनल रियलिटी ये रहा कि पतंग अभी वहाँ पर विश्राम फरमा रही है, यहाँ पर बिल्कुल पर लेटी हुई, शायद आप लोगों को बस हल्की सी दिखाई दे सकती है ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बट धागा टूट चुका है, अब हमने उसको खींचा वहाँ से तो उसका धागा टूट गया। फाइनल रिजल्ट देख ही लिया, तो आज के छोटे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और यदि ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जल्द लौटेंगे एक नई पतंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगला ये ब्लॉग रियली इंटरेस्ट होने वाला है, सक्सेसफुली हम पतंग उड़ा के दिखाएंगे आपको, बेल आइकन को प्रेस कर लें।